Sí. ओके, जब तक थोड़े लोग आ रहे हैं ना, मैं थोड़ा डाउट ले लेती हूँ. नलिनी जी का डाउट था कि उनको इधर दर्द हो रहा है जैसे ही वो एक निवाला डालती है. बेसिकली जॉ चक्रा, जॉ में प्रॉब्लम है उनके, जॉ लाइन में, जो कनेक्टेड टू ईयर, ये पूरा एक नर्व्स जाता है हमारा, कैरोटिड नर्व्स करके, वो जब इफेक्ट करता है तो ओके ये पूरा एरिया दर्द होता है. बट एक बात बताइए, आपका दांत ठीक है? यस मैम। ओके, और वो सो भी जब भी मैं आपने, खाती हूँ ना, फर्स्ट फर्स्ट हाँ मॉर्सल मुंह में डालती हूँ ना, तो हाँ उसको जब इधर से चबाया ना, फर्स्ट मॉर्सल ही सर इधर से चबाया ना, तो सिवियर पेन आता है, बाद में कुछ भी नहीं। और ठीक है फर्स्ट अगर राइट इमेजिन, साइड चबाया, ओके 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 नलिनी जी, इमेजिन योर एंटायर नर्व्स जो ईयर ड्रम से, मतलब हमारे जो ये ईयर है, यहाँ से जो ऐसे पूरा जा रहा है और यहाँ से ऊपर जा रहा है, इमेजिन दैट नर्व्स, वो नर्व ओके एरिया को, वो नर्व एरिया को पूरा इमेजिन कीजिए. हम सब कर लेते हैं क्योंकि हम सब ईयर प्लग में सुनते रहते हैं ना. इमेजिन योर एंटायर ईयर और जो ये नर्व्स, कैरेटिड नर्व्स, बाकी जितने भी नर्व्स है इधर, वेगस नर्व, सबको इमेजिन कीजिए सब लोग, और देखिए अगर आप लोग देख पा रहे हो तो अपना अपना इमेजिन करके देखिए कितना ब्लॉकेजेस है उस नर्व एरिया में. ओके मेरे को बताने की जरूरत नहीं है, ये आपके लिए है. यू जस्ट इमेजिन द एंटायर एंटायर योर ओन सिस्टम. नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल कट इट, कट इट विद द स्वॉर्ड, या जितने भी मैंने टूल्स सिखाए हैं आपको, उससे कट कीजिए वो सारे जो ब्लॉक्ड एनर्जीज हैं. कट 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 फ्रॉम राइट, फ्रॉम लेफ्ट, द एंटायर जॉ लाइन. क्या कट कर रहे हैं हम? ऑल द डिसीज्ड एनर्जी, टॉक्सिक एनर्जी, या जो रेडिएशन हमें मोबाइल के ईयरप्लग से मिल रहा है, वो गंदा वाइब्रेशन, वो सबको कट कीजिए, जो हेवी एनर्जीज हैं. इवन आपका जो पीछे का जो स्पाइन है, जो ये सेरिब, ये जो इस एरिया को जो कनेक्ट करता है, वहां से भी सारे टॉक्सिक एनर्जी कट कीजिए. गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग. अब हम सेल्फ हीलिंग ही कर रहे हैं. सो यू जस्ट कट ऑल द हेवी एनर्जीज फ्रॉम हेड एरिया और जॉ वाला, जॉ एंड ईयर. यू विल फील लिटिल लूजन अप, थोड़ा लूज लगना चाहिए आपको. अब क्या करेंगे, पोर द गोल्डन डस्ट इन योर एंटायर जॉ एरिया. Here, the entire head area. The divine supreme angel, please heal the entire group. The jaw minor, ear, and head. Please bless us. Please remove all kinds of blockages, especially the ear blockage. The mouth area, all the nerves which are connected to mouth, teeth, gums, ear, and the brain. Okay, let's do a short meditation. कल गुरु पूर्णिमा था तो एक गुरु का मेडिटेशन कर लेते हैं. Everybody, close your eyes. Take a deep breath. Inhale. Exhale.
इनहेल एक्सहेल. इमेजिन योर फुट, इट इज फिल्ड विथ वाइट लाइट. आपके मदर अर्थ से फुट के अंदर वाइट लाइट जा रहा है. अपने लेग्स में फील कीजिए वो वाइट लाइट पूरे बोन एरिया में, नीज तक जा रहा है, थाई बोन में भी जा रहा है, हिप बोन में भी जा रहा है. ऊपर आइए स्टमक, रिब्स, एंटायर बैक रीजन, पीछे पूरे स्पाइन में ले जाइए उसको, ऊपर तक ब्रेन एरिया तक, फिर एक फाउंटेन की तरह बाहर निकालिए उसको. पूरे आपका जो बॉडी है उसमें पूरा ये लाइट शावर होनी चाहिए, ब्रिलियंट वाइट लाइट. अपने आप को इमेजिन कीजिए, अपने फिजिकल बॉडी के कॉर्नर को देखिए, राइट कॉर्नर, लेफ्ट कॉर्नर, फुट एरिया में और क्राउन में. नाउ इमेजिन आपका ऑरा चारों तरफ से बढ़ रहा है और बढ़ रहा है. अपने आज्ञा चक्र में कॉन्सेंट्रेट कीजिए, जो जहां पे हम बिंदी लगाते हैं. डिवाइन सुप्रीम गॉड, Divine Father, Divine Mother, to my beloved teacher, to all the respected teacher, to my entire guru, to all of our gurus, जितने भी लोगों के इधर gurus हैं, उन सबको हम नमस्कार करते हैं. हम सबके lineage, जिसको सदगुरु बोलते हैं, उनको भी हम नमस्कार करते हैं. आज हम लोग यहाँ पे गुरु की वंदना करेंगे. शिव जी का जो रूप था गुरु दक्षिणा मूर्ति, उनका हम आवाहन करेंगे आज. मैं शिव जी का एक मंत्र बोलूंगी जिससे आपकी बॉडी में जितने भी वाइब्रेशंस, लोअर वाइब्रेशन है जो नहीं होना चाहिए, उन सबको रिलीज करेगा वो. ठीक है, जस्ट कॉन्सेंट्रेट ऑन योर आज्ञा चक्र. अपने अपने आज्ञा चक्र पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए. ओ त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदा शिवाय श्रीमन महादेवाय नमः. अपने बॉडी में वाइब्रेशंस को महसूस कीजिए. देवों के देव जो महादेव हैं, उनका आवाहन किया है हमने. उनसे निवेदन कीजिए कि हमारे अंदर किसी भी तरीके का एनर्जी जो हमें नहीं चाहिए, स्पेशली जो हमारे लाइफ में तंग कर रहा है हमें, जस्ट उसको इमेजिन कीजिए जैसे वो आपके बॉडी से निकल रहा है काला धुआं. भस्म जो है उसको जब मैं ये अगली बार पढ़ूंगी, जस्ट इमेजिन वो भस्म जो है आपके ऊपर वॉटरफॉल हो रहा है जो हम शिव जी को चढ़ाते हैं ताकि हमारा बॉडी क्लेंज हो जाए. ठीक है,
त्र्यंबकाय त्रिपुरांतकाय त्रिकालाग्नि कालाय कालाग्नि रुद्राय नीलकंठाय मृत्युंजयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। ओम ये जो भस्म है इसको अपने पूरे क्राउन एरिया में स्प्रेड कीजिए। जितने भी तरीके के ब्रेन के ब्लॉकेजेस हैं उसको रिमूव कीजिए। जस्ट इंस्ट्रक्ट कीजिए कि क्राउन चक्रा क्लेंस एंड थरली एनर्जाइज्ड, आज्ञा चक्रा क्लेंस एंड थरली एनर्जाइज्ड, माय थ्रोट चक्रा cleansed and thoroughly energized, my heart cleansed and thoroughly energized, my solar plexus cleansed and thoroughly energized, my entire stomach navel chakra cleansed and thoroughly energized, my sex chakra cleansed and thoroughly energized, my basic chakra cleansed and thoroughly energized, both my soul chakras cleansed and thoroughly energized, take a deep breath, inhale, exhale, ab shiv ji ko apne heart chakra mein bithaiye। उनको बोलिए गुरु के तरह आपके हृदय में बैठे, गुरु दक्षिणा मूर्ति का रूप लेके आपके हृदय में बैठे, हाथ जोड़ के प्रणाम कीजिए। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वरः गुरु साक्षात परद ब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। उनको आप किसी भी फूल का आवाहन दे सकते हैं, बिल्व पत्र का आवाहन दे सकते हो, उनके चरणों में डाल के बोलिए हमारे सारे जितने भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं संबंधी हमारे फैमिली मेंबर्स, उन सबको हमेशा सुखी रखे, उनका हेल्थ स्वस्थ रहे, फाइनेंशियली जो भी है वो भी हील करें, रिलेशनशिप भी हील करें। आप अपने आप को देखिए, आपका ऑरा एक्सपैंड हो रहा है, आपके फैमिली मेंबर्स को कवर कीजिए इस ऑरा में, आपके पूरे घर को कवर कीजिए, आपके पूरे सिटी को कवर कीजिए, पूरे अर्थ को कवर कीजिए। अब और बढ़ाइए अपना ऑरा, पूरे सोलार सिस्टम को कवर कीजिए, पूरे यूनिवर्स को कवर कर लीजिए, हम सब एक हैं। दिस इज नोन एज वननेस विद द यूनिवर्स। अब आपका जो भी विश है वो आप हृदय से मांग सकते हैं कि वो पूरा हो जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बोलिए मेरा ये विश पूरा करने के लिए थैंक यू। अब आराम से वापस आइए, यूनिवर्स से वापस आइए,
सोलर सिस्टम से वापस आइए, अर्थ में वापस आइए, आपके सिटी में वापस आइए, आपके घर में वापस आइए, अब आप अपने अंदर वापस आइए, अपने आप को टच कीजिए, आपका फेस, शोल्डर्स सब मसाज कीजिए, अपने गुरु को बोलिए थैंक यू, हमेशा आप मेरे दिल में रहना, थैंक यू। अब धीरे से अपना आंख खोल सकते हो। थैंक यू सो मच सुनीता जी, इट्स वंडरफुल। मैं हर रोज आई आस्क फॉर द विजडम टू काला बदरा एंड यू हैव गिवन एंड यू हैव सीटेड अस सीटेड हिम इन आवर हार्ट्स। थैंक यू, थैंक यू। आई वाज वेटिंग फॉर दिस कि जितना बड़ा ग्रुप होगा ना उतना अच्छा रहेगा। या थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, आप लोग एक एक करके हैंड रेज कर लीजिए, मैं ओपन कर लूंगी। हाँ जी, कुछ बोल रहे हो आप? आपका हाँ, मैं ये बोल रही थी कि वाकई बहुत नहीं आ रहा वॉइस के लिए। आ गया। मैं कह रही थी बहुत अच्छा मेडिटेशन था। मैंने मेरे को जैसे गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है ना, तो मैंने वही विश किया था कि वो रिलीज हो, तो मेरे को ना बर्थ की फॉर्म में रिलीज होता है जब कोई प्रेस करे, बट जब मैं मेडिटेशन कर रही थी ना तो अपने आप से बर्व्स आ रही थी। तो मतलब वी आर कनेक्टेड, अगर आप किसी चीज के लिए प्रेयर कर रहे हैं तो इज रियली वंडरफुल। थैंक यू, वेलकम। ये भस्म ऐसा लग रहा था जैसे वो नहीं होता वर्तिका जी उज्जैन में जो है, क्या नाम है उस, महाकालेश्वर करें, वो मेरे को ऐसा लग रहा था उज्जैन वाले बाबा जी का हो रहा है, राइट। और जब आपने वो बोला कि स्मोक जैसे उड़ रही है, I could literally feel from different spaces of my body those that smoke is going out. Yeah. मुझे नहीं पता किस चीज की स्मोक थी, but it was quite visible that it is going out. That is so amazing, so amazing. Yeah. Thank you so much, ma'am. What a wonderful gift of Guru Purnima to us, ma'am. Purnima, यार मैं ऐसे कैसे कर सकते हैं नहीं? You are also a guru, so आपने भी कुछ दिया होगा. Yes. हाँ. Thank you so much, ma'am. Such a wonderful session. Welcome. Any doubts you people have? Actually, मेरा अभी जो group है, Switchwords का भी होगा, उन सब सारे मिले हुए हैं, सारे students. Switchwords, Bachflower, Akashic, Colors, सब. So, किसी को कोई भी doubt होता है, तो सबके पास वो ज्ञान चला जाएगा. एक बंदा पूछेगा तो, right? Very nice, very nice. Very good idea in any case. Yeah. नंदिनी जी, आपको आप कैसा लग रहा है? Now I am better, ma'am. आत्मा नमस्ते. Now I am better, ma'am. Every day I start the day with Akashic and one or the other modality I am also trying with the Akashic. And whenever I am traveling or every day I have made it a point to watch half an hour of your sessions which is provided to us from the academy. Okay. Is about the alag alag tarah ka aapne jo sikhaya hai, we are able to practice. So what healing I have, I will use that with the recordings. Bahut achha hai ma'am. So one way online regular miss kar rahe, but in the
recording, we are able to meet you. No, Abhi, we will connect from next week. Intuitive will start from next week. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you. हाँ जी लक्ष्मी जी आप पूछिए आपको क्या डाउट है. So whenever whenever negative energy takes us, that is it is holding us, how can we identify and how can we release? Okay, why you need to identify that? No, we don't know that it is being with us. How can we know? Nee, what are the symptoms? Your question is valid, but I want answer from you. Why do you want to identify that? In my theta class, ma'am has said that I was attacked by some other energy. I did not know. In theta class, what? Ujjala ma'am told that some other energy is there in me and I don't know what it is. Some energies are there in you. Aapke andar kuch hai? Okay. Because I am unable to see in theta also, and even in Akashic also, I said I am not finding any, I'm not seeing anything. But whatever you are guiding me, I follow. That's what I do. So she said that something is blocking me or something is there. That's a part of healing, first of all. Second thing, जो ये negative energies जो होते हैं वो हमारे साथ ही होते हैं. उसके अलावा हम भी नहीं जी सकते. It's part of our life. It's part of our life. आपके घर पे आप अपने पति को देखे, you will be हाँ. It comes automatically. So एक बार भगवान का एक भाग है, that is polarity is there, that is positive and negative always different. See लक्ष्मी जी, मैं जोक नहीं कर रही हूँ, I'm really serious. I'm also seriously saying that it is a polarity. No. The thing is, universe को balance करने के लिए, जब तक moon नहीं आता, वो darkness नहीं पता होता हमें, जब तक sun नहीं आता, वो light नहीं पता होता हमें. तो डार्क एंड लाइट बोथ शुड देयर बैलेंस. सो जब तक डार्क एनर्जीज है तब तक एज अ हीलर हमें काम मिलता रहेगा. या वही ना, पहले व्हेन वी आर नॉट डूइंग ऑल दिस मॉडलिटीज वी डजंट नो एनीथिंग अबाउट, व्हेन वी आर स्टार्टेड डूइंग इट एंड एनर्जाइजिंग एंड इंक्रीजिंग आवर ऑरा, आई एम कमिंग टू नो दैट द ब्लैक एनर्जी इज आल्सो होल्डिंग मी. सो दिस इज व्हाट अ पजलिंग मी. सो व्हाई इज इट, यू आर राइट, यू आर राइट. ब्लॉकेजेस हमें अभी दर्द क्यों होता है हर जगह, बिकॉज़ I will teach you how blockages are there in intuitive anatomy. Pura matlab, wo pura sikhaungi kya kaam blockages hai, kya hai. But in short, if I want to tell you, blockages zarur hote hain, tabhi hume diseases manifest hote hain. May it be emotional, may it be external, may it be anything, food related, मेडिटेशन का लैकनेस, बट दैट डजंट मीन कि कोई मेडिटेशन नहीं कर रहा है, वो उसके अंदर यू नो स्पिरिचुअलिटी नहीं है या वैसा नहीं है. हम सब एज अ सोल, वी ऑल आर स्पिरिचुअल, और हमारे अंदर नेगेटिव भी होता है, पॉजिटिव भी होता है. अगर आप ये सोच रहे हो कि हम लोग मेडिटेशन कर रहे हैं, हम भगवान है, सॉरी रियली नहीं. सबके अंदर आप जितना हीलिंग करोगे उतनी नेगेटिविटी निकलती रहेगी. देयर इज नो एंड टू इट. And one more thing, we all the three modalities have been practicing daily, day by day. और एक बात लक्ष्मी जी, मेरी बात पूरी करने दीजिए. जब हम स्कैन देखते हैं तो आप मेरे को स्कैन करोगे, ठीक है? आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जिस पे फोकस करोगे वो दिखेगा. अगर आपने मुझे स्कैन किया, आहा ये तो बड़ी मेडिटेशन करती है, तो इतने लोगों को पढ़ा रही है, तो योर सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली विल से कि उसका ऑरा जो है ना बहुत पॉजिटिव है, उसका चक्र जो है ना बहुत क्लीन है. अगर वही एज अ स्टूडेंट अगर मैं आपको बोलूं तो मैं ये क्यों बोलूं कि आपके अंदर नेगेटिविटी है? मैं बोल मतलब आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हो. मैं सिर्फ ये पॉजिटिव वे में, अगर आप जब भी किसी को स्कैन करोगे, मैंने अगर आप पॉजिटिव वे में अगर आप इंटेंशन लगाओगे तो आप खुद देखोगे कि किसका ऑरा कितना बड़ा ऑरा है, कितना बढ़िया चल रहा है. नेगेटिविटी तब लेना जब किसी को एक्चुअली में कोई डिसीजेस हो, कोई प्रॉब्लम हो, उसको क्योर करने के लिए एज अ डॉक्टर हम लोग देखते हैं, राइट? जस्ट प्रैक्टिस करने के लिए, जैसे अभी मैंने किया, जो भी नेगेटिविटी है उसको हटा दो. या व्हाट आई वाज टेलिंग इज व्हेन आई प्रैक्टिसिंग, बिकॉज़ आई इंक्रीज प्रैक्टिस इन ऑल दिस थ्री मॉडलिटीज, आई हैव नो पेन, रियली स्पीकिंग आई डजंट हैव एनी पेन. दैट्स वेरी गुड. देन इफ as I heard, when there is any blockages or any negativities, we will have some pain. But as of now, I don't have any pain. I'm just quite rather than normally healthy now. So that's good.
what is affecting me and how can I, if at all it is any affecting. Oh, you know better than me about your life. What is affecting you? You tell me. आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, बस हमारे ग्रुप में सबको इतना पता है कि आपको कॉन्फिडेंस की जरूरत है, राइट? सही या गलत? I'm doing it because, और वो भी आपने शुरू कर दी, इनफैक्ट वो भी आपने खत्म करके शुरू कर दिया है ना, आपने हीलिंग करना शुरू कर दिया सबका, है ना? Yeah, I'm doing the healings, but with most of it I'm doing in the theta quantum only, which I have a good grip in that. कुछ भी करो आप. Here also I'm just going on to the fields, Akashic field and theta field. I'm staying there and then coming back. That's all. Correct. I'm not able to practice those two. This is not involved with meditations, no? So that was easy for me, the quantum one. Okay. These two are related with meditations, means this little hindrances for me to understand and do it. No, whatever is easy for you, you do that. Not necessary everybody will practice, you know, everything and become master of everything. Aisa nahi hota. Koi ek cheez practice kijiye aur usme aage badhiye. And agar aapko ye negativity ka hai, to just say whatever negativity is there in my whole thing, because daily we are accumulating more than 60,000 thoughts. उसमें से कितने हमारे लिए पॉजिटिव हैं, कितने नेगेटिव हैं, वो हमें थोड़ी पता, वो तो चलता रहता है. वहां पे कोई आवाज आया, पता नहीं सास ने क्या किया होगा, इधर मेरी ननद ने क्या किया होगा, इधर मेरे पति ने क्या किया होगा, इधर मेरे बच्चे ने क्या किया होगा, इधर पता नहीं इसने ऐसे मैसेज क्यों डाल दिया, इधर पता नहीं ऐसा क्यों हो गया, ये इसमें से कितने आपको चाहिए वो तो. सो जस्ट क्लेंस एवरीथिंग, ठीक है? जस्ट से दिस क्लेंस ऑल द नेगेटिविटी फ्रॉम मी. इतना तो आप क्रिएटर को जाके कमांड दे दो, वो तो कर देंगे बेचारे, अगर आपने नहीं करना है तो. वैसे एनर्जाइज कर लो. थैंक यू सो मच. मेक इट वेरी सिंपल. यस राखी. यस मैम. करने वाले मैम बोम नहीं छोड़ेंगे. मैम हम ये पूछ रहे थे कि जैसे हमने आकाशिक में आप डायरेक्ट चले जाते हैं और हम आ जाते हैं, तो जब हम आपकी प्रीवियस मेडिटेशन देखते हैं उसके अंदर एक प्रोसीजर फॉलो करते थे आप पहले, तो हम उसको उसी प्रोसीजर से, जैसे हम आपकी वीडियो प्ले करके करते हैं तो हम उसको प्रोसीजर से कर सकते हैं, तो ऐसा तो नहीं है हम स्टेप बैक कर रहे हैं, ऐसा कोई नहीं है. आप लोग मास्टर हो गए. देखो पहले मैंने आपका हाथ पकड़ा था, हाँ जी, फिर मैंने हाथ छोड़ दिया, मैंने कहा अब आप लोग करो अपने आप. तो कभी कभार फर्स्ट कर सकते हो जैसे आपका मूड करे उस दिन. कभी कभी ऐसे मन करता है कि आप पाथवे प्रेयर बोलो. मेरा भी मन करता है कभी कभार वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करूं, तो मैं भी कभी कभार वो प्रोसीजर पूरा फॉलो करती हूं. क्योंकि कभी कभी पाथवे प्रेयर बोलते हैं हमें लगता है आपकी आवाज आ रही है, तो ऐसी फीलिंग भी आती है कहीं, वरना कनेक्शन बनता है उससे कहीं, गाइडेंस कर सकते हो. हाँ बिल्कुल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है. ठीक है मैम, बस हीलिंग करते रहो. यस मैम. मैम इंट्यूटिव जैसे हीलिंग है, उसके बारे में आप पहले प्रॉब्लम्स लेके बताएंगे कुछ उसके बारे में? पहले आप सबकी प्रॉब्लम्स ले लीजिए. उसके बारे में क्या पूछना है? इंट्यूटिव मैम ये पूछना है, जैसे हम ऑल पूछ सकते हैं, जैसे आप आकाशिक कराते हैं, आकाशिक में सबका अपना अपना एक वो पैटर्न है कि हर जैसे इंट्यूटिव में भी मैम हीलिंग करने के बाद आप प्रॉपर स्कैनिंग कर पाएंगे, जैसे कई बार कई लोग नहीं कर पा रहे अभी. तुम तो अभी से कर लेते हो, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? तो मैं आपसे अभी बोलू मेरा स्कैन लक्ष्मी जी का स्कैन कर लो, तुम तो एक मिनट में अभी कर दोगे. तुम्हें क्या तो मैम हमें पता ही है कि उनको थ्रोट में प्रॉब्लम है ना, तो उनके थ्रोट से कनेक्टिविटी नहीं है, तो इसकी वजह से उनकी क्राउन से कनेक्शन नहीं हो पा रहा है. किनको? लक्ष्मी जी को. हाँ? थ्रोट प्रॉब्लम है, तो थ्रोट कनेक्शन में थ्रोट से क्राउन का होता है ना मैम, तो उनका थ्रोट की वजह से वो ब्लॉकेज की वजह से वो क्राउन से क्राउन चक्र से कनेक्ट नहीं हो पा रही है ऊपर ना, तो इसीलिए वो आकाशिक, और मेरे को ऐसा लगता है कि आकाशिक और टीटा में नहीं जा पाते. हाँ लक्ष्मी जी कुछ बोलना है आपको? सॉरी एक्चुअली आई डोंट हैव रियली नो प्रॉब्लम इन माय थ्रोट, मे बी द ब्लॉकेज. व्हेन आई चेक विद माय पेंडुलम आई हैव ऑल द फियर चक्रास एंड आई कांट हैव टू सी अगेन व्हाट इज द प्रॉब्लम. आप सब कनेक्टेड हो यार, जब इस प्लेटफॉर्म में आ गए हो आपका क्राउन से लेके सब खुल गया. इट्स जस्ट अगर किसी का नहीं खुला है तो कॉन्शियसली वो थोड़ा सा ब्लॉकेज है बस, और कुछ नहीं है. कॉन्शियसली दे हैव टू ट्राई. यस. जब ऐसे क्लासेस ले रहे हैं ना, तो जो जवाब भी नहीं दे रहे हैं, जो अटेंड भी नहीं कर रहे हैं, उनके अंदर भी वो एंटाइटलमेंट चला गया है, वरना वो यहाँ पे आएंगे नहीं. वाह, किसी को कोई डाउट ही नहीं है. सो लेट्स एंड द सेशन.
मैम वो पेन किलर के आप बताइए ना थोड़ा, इंस्टेंट हीलिंग पेन किलर के। पेन किलर क्या होता है तुषार जी? क्रोसिन किसी का पेन? हाँ नहीं नहीं आपका पेन क्या है, इंस्टेंट हीलिंग में पेन किलर है क्या कोई किसी का? हाँ रिमूव करने के लिए, पेन रिमूव करने के लिए। हाँ ओके, डिपेंड्स अपॉन किस इंटेंसिटी का पेन है वो। अगर आप बोलोगे कोई ओल्ड है वो बेड रिडन है वो पेन में है उसका हीलिंग इमीडिएटली होना है तो वो थोड़ा टाइम लगेगा ना। दैट डिपेंड्स अपॉन द इंटेंसिटी। आपने ट्राई किया है किसी को? हाँ किया है मैंने, आकाशित में जाके हुमकारा हलीम का जो है ना सिंबल है किया, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिले मुझे। Okay. जिसका आपको पेन है उनका नाम क्या है और क्या है बताइए, हम लोग करते हैं हीलिंग। शकुंतला नाम है उनका। आपकी मम्मी है के, ये लेफ्ट हैंड। हाँ मम्मी का लेफ्ट हैंड में ना इधर पेन हो रहा है पूरा। हाँ मम्मी का क्या एज है? 65। ओके और भी डिसीजेस हैं बहुत? हाँ बहुत है, यानी डायबिटीज, थायराइड, ब्लड प्रेशर है और एक्चुअली अब बहुत सारे हुआ था, ट्यूबर का या टीबी हुआ था 5 साल पहले, वो ठीक हुआ 24 महीने। कोई इंफेक्शन है वहाँ पे? इंफेक्शन यानी जब से वो इंजेक्शन लिया था ना, सेकंड डोज लिया था ना कोविड का, तब से चालू हो गए वो। हाँ वो वायरस उधर ही है, वो गया नहीं है अभी जो भी इंजेक्शन दिया था। हाँ तो तभी से अभी एक साल हो रहा है अभी, कर रहा हूँ ऐसा ऐसा, लेकिन थोड़ा कम हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, लेकिन अभी कुछ इतना तो प्रॉपर रिजल्ट नहीं। हीलिंग करना पड़ेगा रेगुलरली, आप ही को करना पड़ेगा। आप कैसे करोगे बताओ, आकाशिक से करना चाहोगे? हाँ मैं आकाशिक से करूंगा, फिर मैं हुमकारा हलीम का जो सिंबल है ना वही करता हूँ, लेकिन अभी तक रिजल्ट नहीं मिले मुझे। ठीक है उनको आकाशिक में लेके जाइए, अभी हम करते हैं, लेके जाइए, उनका नाम लीजिए, उनके हायर सोल से परमिशन मांगिए, लेके जाइए आकाशिक में जी। आप सब भी हीलिंग कर सकते हो, अपना अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हो। नाम क्या है? शकुंतला। शकुंतला अंबडस्कर। हाँ शकुंतला अंब डस्कर। डस्कर ओके, वो लिखा है मेरे इस पे स्पेलिंग। ओके सो जस्ट उनका राइट हैंड जरा कॉन्सेंट्रेट कीजिए। लेफ्ट लेफ्ट हैंड लेफ्ट ओके इधर कोनी पे। हाँ कोनी पे। हाँ वहां पे आई थिंक सारा जो इंजेक्शन लगा था वो उधर इकट्ठा हो गया, वो सारे एनर्जी ना वो ब्लॉक हो गए, तो उस सबको अपने तलवार से काटिए जरा सब लोग, आप भी। पूरा शोल्डर एरिया, जो भी जिनको भी जो इंट्यूशन आ रहा है वो काम करेगा, मेरे से कोई सवाल नहीं करेगा। कट कीजिए, कट कट कट, ऑल द डिसीज्ड एनर्जी, ऑल द टॉक्सिक एनर्जी, ऑल द ब्लॉक्ड एनर्जीज, लेट्स डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट डिसइंटीग्रेट, कट कट कट, आर्कएंजल माइकल कट विथ योर मैजिकल स्वॉर्ड। अब गोल्डन डस्ट विद अ टिंच ऑफ वायलेट इन द गोल्डन डस्ट, बिकॉज हीलिंग चाहिए उनको, तो वायलेट कलर को जरा मिला लीजिए गोल्डन में, उनके पूरे बॉडी में स्प्रेड कीजिए, स्पेशली जहां पे उनको पेन हो रहा है वो पूरा जो ब्लॉक्ड नर्व्स है, बेसिकली उनका पूरा वो एरिया ब्लॉक्ड है, ब्लड फ्लो भी नहीं हो रहा है, और वो एक दिन में नहीं जाएगा तुषार जी, आपको ये करते रहना पड़ेगा। डस्ट अच्छे से डालिए उस एरिया में, कवर कवर कीजिए पूरे उनके बॉडी को, ठीक है? हीलिंग डन, नाउ लेट दिस एनर्जी बी देयर। तुषार जी आपको दिन में 2 बार ही करना पड़ेगा ये। जी मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू फॉर ऑल सबको, थैंक यू, वेलकम। Madam, yes, Sushmoy ji, how are you? Madam, no, I'll first apologize. First, I'll apologize because I left
your Akashic Records class. Okay. After two sessions, because I thought it will never come to me, but I saw the response of all other participants. It was fantastic. So I am repenting for having discontinued. That is my apology to you. Maybe in repeat class I will join you. That's okay, Sushimai ji. Yes. One thing, and regarding switch word, the word I gave, the word miracle, I gave to many, and it has given 110% result. Means very many impossible things have come from, have become possible. So one thing, but I wanted one name and fame. That was Crack Jacker, I think, right? That was Crack Jacker. हाँ उसके साथ क्या कोई वर्ड मिलाना है मैडम फॉर प्रॉम्प्ट माने फॉर प्रॉम्प्ट इफेक्ट क्रैक जैकर के साथ आपको डिवाइन भी मिलाना पड़ेगा बिकॉज़ यू वांट डिवाइन हेल्प ओके डिवाइन क्रैक जैकर ना डिवाइन क्रैक जैकर यस ओके ओके मैडम बट आकाशिक रिकॉर्ड्स आई एम गोइंग टू जॉइन अगेन Your switch word class was very interesting. I joined till the last session and I'm reading also plus Vedic ka bhi switch word maine kar liya. Are wow, very good. So, main switch word mein bahut interested hu. Akashic records, I was ignoring. I was thinking that mere se nahi hoga. To maine do ke baad chhod diya. Phir jab response dekha sabka, my goodness, fantastic response. So I think I was too impatient maybe. Sorry, I'll join your repeat class, madam. Even the next switch word which I will take, I will add advance in that. Okay, achha, wonderful. Fit to take it. Fit to I'll join. Okay, okay, madam. Thank you. When is it? When is it? Abhi dekhte hain. Abhi pehle intuitive le lu. Achha, okay, okay, madam. Okay, thank you. Thank you so much. All the best. Thank you. हाँ नलिनी जी आपको कुछ पूछना आपका हैंड रेज है या पहले का ही है यस मैम नहीं अभी मैंने किया मैम हमने ये जो हीलिंग किया ना वो उतना ही प्रॉब्लम है अभी भी क्योर नहीं हुआ तो अभी उसको मैं क्या कर सकती हूँ वो थोड़ा टाइम दीजिए थोड़ा बॉडी के आई कैन डू इट एवरी डे दिस थिंग यस प्लीज आज जो आपने करवाया वो रोज करूँ जी बिल्कुल की कर सकते हो okay. प्रसाद जी आप सर पकड़ के क्यों बैठ गए क्या हो गया आपको हाउ इज योर डॉटर थैंक यू मैम ऑल वेल ओके थैंक यू नलिनी जी मैम नो प्रॉब्लम्स एट ऑल नथिंग टू से एक्चुअली कुछ नहीं है बढ़िया है सब कुछ ओके दैट्स गुड टू हियर नो डाउट्स क्या क्या है कुछ हीलिंग किया जिसका कोई रिजल्ट आया यू पीपल कैन शेयर या आई कीप हीलिंग मैम एंड अ लॉट ऑफ पीपल डू गिव अ पॉजिटिव फीडबैक एंड मैं करते जाता हूं बस आई डोंट काउंट हां गुड ओके इन दैट केस मैम आई एम हीलिंग वन पैरालिसिस पेशेंट So he is having a total left side ogaya and this is the fifth day I have done for him. Every joint I have been releasing and now ankle joint me to kaam nahi but I have been trying on 3 days with the ankle he is unable to move the ankle. The other things they have been released and now he is a little bit okay. He is lifting his hand, his mobility in the elbow, wrist, fingers. Lakshmi ji. Hug. Only the ankle and whoever I'm doing. Hug yourself. Hug yourself. Okay, pat myself. And only left problem patients are there. Why is it? That is the second question. जो लेफ्ट लेफ्ट साइड में इतना बड़ा केस आपने 3 दिन में सही कर दिया यार 5 दिन हुआ 5 दिन कितने दिन हो उनको बताइए पैरालिटिक कब से है पैरालिसिस 5-6 years से ही वो सफरिंग आई एस पर आई माय 5-6 years या इज माय फ्रेंड तो आपने कितने दिन में कर दिया 5 days हो गए और दो दिन बताओ इयर्स को आपने दिन में कर दिया इससे बड़ा और क्या चाहिए वो भी हो जाएगा दूसरे साइड भी हो जाएगा एंकल तो काम नहीं कर रहा है उसका भी जो आपने बताया वो उससे करवाती हूँ लेट मी ट्राई दैट वे आल्सो
and take something for your healing. Yeah, I asked him to pay me something. At all, this is the first case outer from outside I'm taking. Otherwise, I have been done with all my family. उनको बोलिए हम जो सीख रहे हैं उसपे पैसे लगते हैं तो उसने पैसे दे दिया आपको. मैंने बोल दिया उससे. हाँ. लास्ट में ले लेती हूँ. बोलो. हाँ. कौन थप्पड़ मारूंगी मैं? किसको थप्पड़ मार रहे हो? ओके मोनिका जी. You have some doubt? Unmute. चल क्या हो गया फिर? चुप कर. हाँ जी. पहले थप्पड़ ऊपर सब लगा लो फिर मैं बोलती हूँ. लग गया वहां किसी को तो लग गया. अंजना जी. अंजना जी किसको थप्पड़ मार रहे हो? थप्पड़ लगा रहे हो? सॉरी मैम, सॉरी अनम्यूट हो गया था. कोई नहीं बच्चे. मैम डराना पड़ता है बच्चों को. हम डर रहे हैं अभी तो. हाँ कहीं हमें ना थप्पड़ लग जाए. गुरु पूर्णिमा में कैसी गुरु चला. तो मैम every day I'm doing Akashic Records or I had 4 patients or 3 successful hain, matlab the improvement hai bahut zyada. But ek jo mere bete ke friend ke father hain, he's quite critical. Even Prasad ji se bhi maine unki help li thi, but he's so critical. COVID ka hai, ek mahine se hospitalized hai. To mujhe to lag raha tha kyunki I was doing wo वॉयलेट फ्लेम से मैंने उनको पूरा शॉवर करके पूरा प्रॉपर अच्छे से किया. बट मे बी वो अगेन दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट हो गया. आज 100% ऑक्सीजन वेंटिलेटर पे है. तो अगेन आई वॉज थिंकिंग कि मैं क्या करूं, मतलब हाउ कैन आई हेल्प हिम कि और कैसे हीलिंग करूं. मुझे वहां जाके मैं स्टक हुई, कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं उसके अंदर. So I don't know, but मैं अगर अपने प्रैक्टिस की बात करूं कि मैम एवरी डे इट्स अ न्यू लेवल. एवरी डे इट्स न्यू. बोल रहे हो ये भी आपको लेसन सिखाने आया है कि आप हीलिंग करोगे तो सब बच जाएंगे, ऐसा नहीं है. हाँ. यू आर एक्चुअली रिलीविंग अ सोल टुवर्ड्स अ डेथ. वो भी यू नो बहुत बड़ी चीज है. Yeah. And bless him towards his journey. Yeah. For the highest good, whatever happens. Whatever highest good, yeah. For the highest good. Yes, so that is what I am praying for. But wohi hai ki attachment ho jati hai na ma'am, matlab bahut yaar here very close to us. Mere friend. As a healer, first detach hoke healing kijiye. Because you all know that, right? वरना वो ठीक है, थोड़ा sympathy रखिए, but इतना नहीं. मतलब मेरे लिए कहना आसान है, but still वो मतलब मेरे हाथ में बच्चे आते हैं ना, आंटी बताओ ना, आंटी बताओ ना, मतलब they are so close. And अब मेरे बेटे के बहुत ही fast friend के father हैं, और हम मतलब family friends हैं, तो वो एक तरह के brother kind हो गए, तो attachment तो हो ही जाती है. हाँ, जैसे मेरा आज क्या हुआ, आज सुबह मैं जब ऑफिस गई, मेरे साथ ही एक क्रिएटिव राइटर्स, छोटे छोटे बच्चे काम करते हैं ना, उनके भाई का लड़का, उन दो डिलीवरी हुआ उनकी भाभी का 8 मंथ. हम लोग बोलते हैं 8 मंथ में वैसे ही होता है थोड़ा. परसों ही डिलीवरी हुआ, कल आईसीयू में चला गया, और आज सुबह वो जैसी आने वाली थी उसने मुझे फोन करके बोला मैम मैं नहीं आ रही हूँ क्योंकि वो ऑक्सीजन नहीं ले रहा. जैसे ही उसने बोला मुझे लगा ये तो अभी 1 घंटे में चला जाएगा. बट वी कैन से दैट, है ना, हम ऐसे थोड़ी बता देंगे कि भाई वो तो चला जाएगा. या या. बट देन उसके बाद मैंने जब फोन किया उसने कहा वो तो ही इज नो मोर. सो दैट्स ओके, बट दैट इज सोल्स चॉइस. ठीक है. सो ठीक है, वी हैव टू कम होम. वो उनका पेरेंट्स को क्या वो सबक सिखा रहा है वो उसका चॉइस है. उसके खुद की जर्नी का है. एंड इट्स बेटर टू यू नो, ऐसे जो इतने महीने से हैं दे शुड लीव. यू आर यू नो उसका आगे, मतलब हम ये नहीं बोलेंगे, बदन जब हीलिंग कर रहे हो उनको थोड़ा लाइट दिखा दो, क्राउन थोड़ा ऊपर खोल दो.
क्राउन खोल खोल के हीलिंग करना ताकि उनको रास्ता दिखे, क्योंकि क्या होता है सोल जाता है उसको कुछ दिखता नहीं है, फिर आ जाता है, सोल जाता है कुछ दिखता नहीं है, वापस आईसीयू में आ गया, दिखता नहीं है वापस आईसीयू में आ गया, मतलब इट्स टेरिबल फॉर यू नो मेनी पीपल. या मैम इज इट पॉसिबल कि आप अगर एक बार ही उनको स्कैन करके देख के कुछ कह आइडिया, मतलब मैं तो इतना आपको दे रही हूँ, इतना हिंट दे रही हूँ आपको, पकड़ नहीं पा रहे हो. हिंट दे दिया मैंने, जैसे ही आपने बोला मेरी आंखें वैसे ही नीचे कर ली मैंने, थोड़ी करती हो. ओके गॉट इट. या ठीक है, थैंक यू मैम. एक्चुअली व्हेन यू आस्क्ड आई वाज हेजिटेंट इफ यू नोटिस्ड अबाउट. ओके दैट्स हाँ वही, आई मीन वी कैन गेट इट बट देन वी विल नॉट ओपन आवर माउथ एंड से अंडरनीथ. या एग्जैक्टली. या एग्जैक्टली बाकी जगह में अच्छा रिजल्ट मिल रहा है राइट? कोई डाउट आपको? नहीं आपने इतने अच्छे से कराया, मतलब दे आर तीन तरीके से करवाया, इट इज सो ब्यूटीफुल. अभी लैपटॉप खोलते वक्त सहाना बोल के गया, मम्मा आप इतना अच्छा पढ़ाते हो, क्या आपके स्टूडेंट्स क्या डाउट पूछेंगे? मैंने कहा यार सीरियसली मैम आप पूछ ले तो. आपने सबसे अच्छी बात तो ये है कि एक दो लैपटॉप खोल के वो ऐप में जाके आपने जो वो शॉर्टकट्स के जो रिकॉर्ड कर करके डाले है ना, तो वही लेटे लेटे वही सुनो, आते जाते सुनो, इससे अच्छा और कुछ हो ही नहीं सकता. मतलब इट इज सो ब्यूटीफुल. हेयर कट करवा रहे हो तो वही सुन रही हूँ मैं, वहां जा रहे हो मेरी तरह लग रहे हो, मैं एक भी नहीं छोड़ दी. और जो मेरी क्लासेस होती है उनमें मैं मतलब even they are blessed, I am blessed that I am learning and you know giving them that wisdom which is so beautiful. So हर रोज सुबह 6:30 बजे, मतलब हमारे पता नहीं इस ग्रुप में भी दो तीन है, थीटा में भी है, सुबह 6:30 से 7 बजे एक दिन आकाशिक एक दिन थीटा हीलिंग, एवरी डे आई एम डूइंग एंड एवरीबडी इज ओपन फॉर इट, एनीबडी कैन कम. और उसमें बड़े सारे जैसे आप बोलते हो ना कि टेक डू द वेरिएशंस दैट यू रियली वॉन्ट टू डू दैट, वो मैं वैसे ही वेरिएशंस कर रही हूँ. और मैम मैं सोचती कुछ उस टाइम पता नहीं क्या हो रहा. बिल्कुल आज मैंने सोचा थोड़ी था भस्म लेके मैं सबके ऐसे करूंगी. That is what, it is so beautiful. Yes. So it is all not us but the creators, we are the just medium. जैसे वो करवा रहे हैं बिल्कुल वैसे ही करते जा रहे हैं, जैसे पार्टिसिपेंट्स आ रहे हैं वैसे एनर्जीज आती है. यस यस यस. So thank you so much ma'am, it was wonderful. But definitely वो intuitive वाले भी हम साथ ही चलेंगे, हम छोड़ेंगे तो है नहीं आपको. But बात बताइए यहाँ पे जितने भी participants हैं mostly वो हमारे आकाशिक के ही है ना, क्योंकि मैंने जो आज किया वो मैंने recording किया है और मैं group में share करूंगी, इसलिए मैं पूछ रही हूँ. हाँ ये मेरे मन की बात हो गई सविता मैम, ऐसे ऐसे हो गया राखी. ये मेरे मन में यार जितना दे दो तो अच्छा है ना, कोई सुने ना सुने अच्छा लगता है, उनके पास रहेगा तभी तो सुन लेंगे. हाँ जी पारुल जी, बहुत दिन हो गया, आप अपना शक्ल दिखाइए. हेलो मैम. हेलो जी, कैसे हैं आप? बहुत दिन हो गए आपसे मिले नहीं हूँ. हाँ बताइए. आज मैंने अपना खुद का हीलिंग किया, इतने दिनों तक मेरा सब वो पड़ा था बिकॉज ऑफ सोशल सब था इसके लिए. हाँ. पर अभी मैं हीलिंग कर रही हूँ. ये मेरे टीचर. मुझे एक आया हुआ है कि मेरी जो मैड है वो दुबई में है और उसको वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, वो बोल रही है उसके ऊपर किसी ने कुछ किया हुआ है. तो वो बेड पे किसी नहीं, तो बेड पे से गिर गई, तो उसका हम लोग कर सकते हैं क्या हीलिंग इधर से? कौन है आपकी मेड? है मेरी मेड है, मेड दुबई गई है और उसको लग रहा है करने के लिए गई हुई है. हाँ, किसी करने के लिए गई है और उसको लग रहा है कि किसी ने कुछ किया. ओके. हाँ तो 3-4 बार उसके साथ ऐसे इंसिडेंट हुए, तो वो उसको लग रहा है कि उसके ऊपर किसी ने कुछ किया है. उसको प्रॉब्लम क्या हुआ? तो मीन्स कोई उसको दिखता है उसके ऊपर आने के लिए, वो धक्का मार रही है. ओके. तो धक्का मारते वक्त वो गिर गई और खून निकला उसको हाथ से. ओ
ऐसा तो वो डर गई है, तो उसने मुझे फोन किया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है, 2-3 बार हो गया है, तो आप मेरे लिए कुछ करो ऐसे करके। तो उसको तो मालूम नहीं है, पर हम लोग इसमें कर सकते हैं शील्ड करना। अच्छा, जो जितने भी हीलिंग आप करोगे, अब मैं और तो नहीं बता सकती आपको, क्योंकि वो हीलिंग जब करेंगे तो हमारा लेवल अलग होता है ना। तो आपके लिए मैं इतना बोल सकती हूँ कि जो भी हीलिंग कर रहे होगे, उसका हीलिंग करने के बाद वायलेट लाइट का ज्यादा यूज करना और उसको वायलेट का शील्ड कर देना। ओके, और डेली देना है ना उसको? आपको डेली शील्ड करना पड़ेगा अगर उसका ये लगातार हो रहा है तो। अच्छा, क्योंकि लास्ट 2 महीने से उसके साथ इंसिडेंट ऐसे 4 बार हो गया है, तो आज तो उसका फोन आया तो वो रोने लगी कि कुछ करो करके ऐसे करो। तो हाँ, तो फिर मैंने बोला पहले मैं आपको पूछ लूं कि ऐसे कर सकते हैं उसका आकाशिक में जाके उसका शील्ड वगैरह या ऐसे वॉलेट ऐसे ऐसे सब कर सकते। ओके मैम, मैं आपको सॉरी पारुल जी, आप हीलिंग तो जो कर सकते हो वो करो। हम लोगों के पास ना, मतलब मैं प्रमोशन नहीं कर रही क्योंकि वो आपकी मेड है, हम लोगों के पास ना ऐसे पीवाइज तरीके की एनर्जी से प्रोटेक्शन के लिए ना यंत्र आते हैं। अच्छा। तो आप उनको वो सेंड भी कर सकते हो, तो उससे क्या है, क्योंकि मैंने काफी लोगों को दिए हैं वो यंत्र, तो उनसे वो प्रोटेक्शन रहता है। अच्छा। मतलब उसपे वो चीज का अटैक नहीं होगा। फिर जब भी, मतलब अब हमें निकालना नहीं आता, मुझे तो नहीं निकालना आता, मैं तो उनको प्रोटेक्शन दे देती हूँ वो यंत्र का। okay. तो वो हाँ, अगर आपको लगे तो आप मिलता है क्या कार्तिका जी? वो मैं तो डायरेक्ट ही लेती हूँ। नहीं, वो राजीव सर भी देते हैं क्या? हमारा इंस्टीट्यूट भी देता है। हाँ हाँ, राजीव सर भी देते हैं वो, तो आप राजीव कॉन्टेक्ट कर सकते हो, है ना पारुल जी? हाँ, मतलब आपको जिससे भी कंफर्टेबल हो, राजीव सर से, मुझसे, जहां से भी आपको लेना हो। मैं आपसे कांटेक्ट करूंगी या तो राजीव सर से कांटेक्ट करूंगी। तो उसको वैसे कैसे भेज सकते हैं, मींस व्हाट्सएप पे भेज सकते हैं या ऐसे कुछ, कैसे मालूम पड़ेगा ये? तो आप बात कर लेना, आप प्राइवेट बात कर लेना, ठीक है? ठीक है, ओके, थैंक यू मैम, वेलकम। हाँ जी बुलबुल जी, बताइए। हाँ मैम, मैं ये पूछ रही थी कि अगर हम लोग मैम हीलिंग करते हैं, मतलब किसी की भी हीलिंग करते हैं, और अचानक से ही मतलब एंसेस्टर अलग से आ जाते हैं खूब सारे, मतलब 2 जन की कर रहे हैं, दोनों में ही प्रॉब्लम है इसलिए, और वहां का अलग सिनेरियो है, बट पीछे में एंसेस्टर का अलग रोशनी होता है ना, एंसेस्टर का अलग मतलब जगह होती है, वो जगह अचानक से आ जाती है और एंसेस्टर खड़े हो जाते हैं, तो उसका क्या मतलब हुआ? सिस्टर्स क्या हो जाते हैं, आ जाते हैं और क्या हो जाते हैं? खड़े हैं, मतलब लाइन से एंसेस्टर का जैसे अलग रूम अलग रोशनी होती है ना, तो पता चल रहा है कि वहाँ एंसेस्टर आ गए हैं, और मैंने जब पूछा तो वो बोले, तो वो बता भी रहे हैं किसके एंसेस्टर है, तो इसका क्या मतलब हुआ? फिर उनसे को भी हीलिंग चाहिए ना, वो बोल रहे हैं भाई मैं भी कतार में खड़ा हूँ, मेरी भी हीलिंग करो। हाँ जी, ऐसे पता है क्या होता है, जैसे आप मेरे साथ प्रॉब्लम लेके आए हो, जो हम पितृ दोष बोलते हैं वो ऐसा नहीं होता है कि यू नो ऐसा 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 हो गया, मतलब फॉर एग्जांपल आजकल जैसे शादी का बड़ा प्रॉब्लम है ना, शादी के बाद बच्चे का बड़ा प्रॉब्लम है, बच्चा कौन होता है? हमारे एंसेस्टर्स होते हैं। अब अगर एंसेस्टर्स में से किसी का हीलिंग चाहिए तो वो आके खड़ा हो जाता है, अगली मेरी बारी है, मेरे को हीलिंग करो, ताकि वो आ जाए हमारे पास, अगला जन्म तो उसी का वेटिंग लिस्ट चल रहा है ना, इट्स लाइक RAC हो गया उसका, बट कंफर्मेशन अभी तक नहीं मिला आने का, सोल के जर्नी का, तो वो वेट कर रहा है ना इतने सालों से कि वो आएगा, या जो भी प्रॉब्लम है, बहुत लोगों का रिलेशनशिप प्रॉब्लम, या जैसे ये जो नेगेटिविटीज इतनी है वो, फाइनेंशियल इश्यूज, ये सब एंसेस्ट्रल होता है कभी कभार, एक फैमिली होता है ना हमारा, वो फैमिली में जब कुछ बिगड़ जाता है तो वो पूरा जो क्लब है वो पूरा पजल, जिग्सॉ पजल गायब हो जाता है, उसको फिक्स करने के लिए आप वही वायलेट शावर कर सकते हो, क्योंकि आप लोगों ने अभी वही सीखा है, इसलिए मैं वायलेट बार बार बोल रही हूँ, वायलेट शावर कर सकते हो, या गोल्डन उसमें डस्ट मिक्स कर सकते हो, या जो भी उनका प्रॉब्लम है उसको कट करके फिर करो,
जो भी एंसेस्टर्स का प्रॉब्लम है सबको उठा लो, जितने भी लोग लाइन में खड़े हैं सबको यू नो क्लीन कर दो, फिर डस्ट कर दो। वहां ऐसे लग रहा है जैसे ग्रुप में खड़े हैं, और उसके बाद मैम मैंने जैसे उनसे उनकी हीलिंग तो कर दी, बट वो एक हीलिंग और मांग रहे थे, वो जान ही रहे थे एक हीलिंग और मांग रहे थे। चाहिए होगा ना उनको, उनको भी भूख लग रहा है ना, कम से कम कोई तो मिला है डॉक्टर अच्छा जो हीलिंग कर रहा है, क्योंकि हीलिंग है जो सोल तक जाता है, दवाइयां खा के सोल तक नहीं जाती है, वो फिजिकल बॉडी में रहती है। हीलिंग हम सोल लेवल का करते हैं जिसकी कोई भरपाई नहीं होती है, इसीलिए वो आके खड़े हो जाते हैं कि भाई मेरा भी करो। आपने तो मैजिशियन बना दिया इसीलिए हम लोग को। मैजिशियन हो ना तो वॉन्ड चलाते रहो, वो भी काम बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है, कोई भी कभी भी आके खड़ा हो जाएगा। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी क्रिस्टल उठाती हूँ, मैं सोचती हूँ इस पेशेंट की हीलिंग करूँ, कोई और आके खड़ा हो जाएगा, मेरी करो पहले। यस मैम, होता है जैसे हम लोग हीलिंग करते हैं, बट जैसे मैं एक जन की हीलिंग करी थी शॉप की, उसमें क्या हुआ अचानक से तीन स्टोन आ गए, जेमस्टोन, मैंने स्टोन्स की सोची भी नहीं थी, बट तीन स्टोन्स आ गए, और जैसे कोई मेरे को बोल रहा है इनकी भी हीलिंग, मतलब इसकी एनर्जी दो उसको, बस वही है इंट्यूशन। तो फिर मैंने दिया, वो अचानक से ही सामने ही जैसे बगल में लग रहा है आके खड़े हो गए। हाँ, तो एक्चुअली सोल्स वेट करते हैं ना कि उनको जो क्रेविंग है वो कौन कब पूरा करेगा, तो जिसके साथ वो कनेक्ट हो जाते हैं वो आ जाते हैं। अब जैसे इनको ब्लैक एनर्जी दिख रही है, वो ब्लैक एनर्जी है क्या, वो भी अटेंशन सीकर है, उसको भी मुक्ति चाहिए, इसीलिए वो आके धक्का दिए जा रही है। जब तक वो उसको और कोई चारा नहीं, उसको नहीं पता है कि कैसे मांगना है, वो अटेंशन मांग रही है, मैं हूं इधर मेरे को भी हील। अब पारुल जी के पास हीलिंग क्यों आई है, ताकि वो भी उनके साथ कनेक्ट करके उनको भी विदाई करे, काम ही यही है हमारा। मैम मैंने तो फिर मतलब वहां जाके नहीं, आकाशिक में नहीं, मैंने ऐसे ही मैं एनर्जी चेक करती हूँ ना, तो उसमें एनर्जी चेक करी थी तो किसी के घर में था, तो मैं मतलब सामने सामने कर रही हूँ, मैं आकाशिक में जाकर नहीं की हूँ, बट फिर भी वहां की एनर्जी मेरे में आ गई। तो फिर मैंने मेरे को अचानक से मतलब हेडेक लगने लगा, सर घूमने लगा। तो बात किया था ना हमने परसों, वही ना आपने वही बात किया था मेरे से, वो तो हुआ उसके बाद कल मैंने जैसे की चेक की तो है ना उसके घर में थी, तो घर में थी ना, तो मतलब घर मैंने घर चेक किया, मतलब घर देख लू एक बार, तो मतलब मैं आकाशिक में नहीं गई, मतलब सामने देख रही हूँ बस, आंख से उनके घर की फोटो देख रही हूँ, उससे आ गई। सोचो आप ऐसे ही आता है, अब हम लोगों को वही तो बोल रही हूँ, सूंघ के बता देते हैं हम लोग ना, ऐसे इतना एक्सपर्ट हो गए, डॉग बन गए लिटरली, वो अल्सेशन डॉग मेरे को हटानी पड़ेगी, बता दे भाई तेरा ये प्रॉब्लम है, वही तो इसलिए। और मैम मैंने ये बोला ना उनसे एंसेस्टर से ये भी पूछा कि आपको क्या चाहिए, क्योंकि वो थोड़े मतलब लग रहे थे कि गुस्से में है थोड़े उनके एंसेस्टर, तो मैंने पूछा था, तो वो बताए तो नहीं है, लेकिन मैं उनसे पूछूंगी तो शायद बता देंगे, है ना। एक बात बताओ, गुस्से में जब होता है तो क्या जरूरत होती है उनको, शायद मेरे को ये लग रहा है ना कि जैसे उन्होंने कुछ बोला है और वो उनको दिया नहीं है, तो वो बोल रहे हैं मेरे को अपग्रेड होने में रुकावट आ रही है उस चीज के लिए, मतलब तो क्या चाहिए उनको, प्यार। लव एक चीज है जो हर चीज का मलम होता है, ठीक है, आप बोलो इन लोगों को प्यार, इट्स लाइक अपना हार्ट को ओपन करे, जो फैमिली मेंबर्स हैं जो चले गए उनको प्यार दे दे, पिंक कलर दे दे, ऐसी ऊपर ऊपर से नहीं दिल से दे, वो सोल तक जाती है। अरे मैंने बोली थी ना वो मूवी देखो जरा एस्ट्रल सिटी, उसमें सोल जो है वही अटका रहता है, एक फॉरगिवनेस मांगने के लिए अटका रहता है वो ऊपर ही, और जैसे ही उसके फैमिली मेंबर्स फॉरगिवनेस देते हैं तब उसकी जर्नी आगे बढ़ती है, क्योंकि सिर्फ वो एक चीज के लिए अटका हुआ प्यार, और कुछ नहीं चाहिए। ऊपर जाके वो ये नहीं बोलेगा मेरे को मर्सिडीज दे दो, मेरे को और ऊपर जाना उस मर्सिडीज में, कोई नहीं करता ये, ऐसे कोई पूछते नहीं, सिर्फ प्यार चाहिए होता है लोगों से, इसीलिए तो फैमिली बोलते हैं ना, फैमिली क्यों होता है। यस मैम, वो प्यार से बंधा होता है, जब कोई एक बंदा गुस्सा हो जाता है तो दूसरे को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उसको भी प्यार चाहिए। अब ये बोले कैसे, क्योंकि ईगो आ जाता है बीच में, तो सिर्फ उनको बोलना प्यार दे। ओके मैम, ओके, थैंक यू मैम, वेलकम जी। हां जी प्रसाद जी, वांट टू शेयर समथिंग, थैंक यू प्रसाद जी। यस मैम, व्हाट आई फाइंड इज
The most important thing is not to get emotional. No, never. But that seems to be problem for many of us. Many of us. Many. So moment we understand this, we will be able to approach the healing modality in a neutral way. Yes. And successfully. Yes. Because moment we get into nitty-gritties, and the moment we start mane balki khal khichna shuru karenge, so kuch na kuch problem hona shuru ho jata hai apne khud ke liye. Okay. So I think we should go beyond it. Go do the work, come back. Yes. At that particular point of time, you are an individual soul working on other soul. There is no body, there is no name, there is no nothing. Yes. This. Like this Prasad ji, मेरे को pen नहीं मिल रहा है. वैसे मैं और detail में आपको intuitive में समझाऊंगी. This is Prasad ji. Okay. अब संगीता ने इनसे कनेक्ट किया, अरे दिख नहीं रहा, संगीता ने इनसे कनेक्ट किया, ये कॉर्ड बना. मोनिका ने कनेक्ट किया, ये कॉर्ड बना. नंदिनी ने कनेक्ट किया, ये बना. और तुषार जी ने कनेक्ट किया, ये बना. ऊपर से फैमिली मेंबर्स के और कॉर्ड हैं, व्हाट्सएप के और कॉर्ड्स हैं, और फोन के और कॉर्ड्स हैं, और पूरा भर गया. ठीक है, अब ये ऑरा है, सिंपल फिजिकल बॉडी की बात कर रही हूँ. अब इमोशनल का ऑरा अलग है. अब इमोशन में क्या होता है, आप जब गुस्सा होते हो तो ये जो चीज है, ये जो एक और कवर है, छेद हो जाता है यहाँ पे, लिटरली छन्नी हो जाता है यहाँ पे. जैसे आज सुबह वो बेबी का डेथ हुआ, अगर मैंने दिल पे ले ली होती तो मेरे हार्ट चक्रा में छेद होता लिटरली. फिर मैं आप लोगों को क्या पढ़ाऊं, आप लोगों को क्या मेडिटेशन कराऊं. सो व्हेन यू आर इन अ वेरी हायर वाइब्रेशन, दैट डजंट मीन कि आपको हार्ट बिल्कुल सख्त रहना है, ऐसा भी नहीं है. हाँ, उस टाइम पे जो मोमेंट में चाहिए था, जस्ट ब्लेस विद ऑल द पिंक लाइट, जो भी दैट्स अ वर्क व्हिच एज अ सोल वी ऑल डू. उसके बाद देन कम ओवर इट, क्योंकि फिर नेक्स्ट सोल को भी तो बढ़ाना है ना प्रसाद जी, हमारे पास कितनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. हमको कभी भी अटैच नहीं होना. Yeah. You just do it and get out. Yeah. Perfect. मैं एक बड़े गंदी सिमिली है सफाई वाले की काम. हाँ, झाड़ू सफाई. Exactly. सफाई yeah. वाला जो है हाँ. सफाई करने के बाद टॉयलेट में नहीं बैठता है. हाँ, true. तो why should we attach to anything? मैंने तुषार जी को पहले ही बोला था, इफ यू पीपल रिमेम्बर, मदर्स से ज्यादा कनेक्ट मत हो तुषार जी. बट इट्स डिफिकल्ट फॉर तुषार जी टू डू दैट, बिकॉज उनका ऑरा के अंदर उनकी मम्मी का ऑरा है, आप समझ रहे हो, क्योंकि इतना इन्वॉल्वमेंट हो गया है कि अब ये तुषार जी है तो इसके पूरा कवर कर लिया है मम्मी ने. मैम, एक छोटी सी बात आउट ऑफ द वे, आप समझेंगे, बाकी शायद नहीं समझेंगे, छोड़िए, आपके लिए बता रहा हूँ. पीपुल हु आर बोर्न इन भरणी नक्षत्र, मखा नक्षत्र, उत्तर भाद्र नक्षत्र, ज्येष्ठ नक्षत्र, हैव दिस इश्यूज. आई एम ज्येष्ठ नक्षत्र. देयर यू आर, दैट इज द रीजन यू आर इन लीड हीलिंग मोडालिटी. इवन आई एम ज्येष्ठ. ऑल साइकिक पर्सनालिटीज हीलर्स are in this group. Haan. So, and we know how to detach. That is our great. Exactly. 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 Yeah. So, Tushar ji, please, jab aap healing karoge, it's difficult for you, but then now it's high time ki aapko try karna hai. Yeah. Ma'am, I have a problem. Mera ek chota sa problem. Sorry. एक मिनट प्रसाद जी, तुषार जी कम बोलते हैं, आप बोलोगे तो बोलेंगे ही नहीं. या बिल्कुल बिल्कुल. तुषार जी, आई वांट यस फ्रॉम यू. यस यस मैम. हां यस मैम. हां, थैंक यू. हां जी, बोलिए प्रसाद जी. थैंक यू मैम. मैम, आई हैव अ प्रॉब्लम, इसको कैसे सॉल्व करूं आप बताओ. प्रॉब्लम इज लाइक व्हेन आई फाइंड अ पर्सन कार्मिकली इन अ नॉट अ वेरी कंफर्टेबल पोजीशन, आई डू द हीलिंग ऑल राइट. When they ask me, what are your charges? I say, no, I will not take any charge from you.
it is instinctively, I don't want any charge from that person. So people say that no, energy exchange karna chahiye. I don't believe in it because that is my duty. That is my duty that I have performed first on helping such and such person. I mean, I look at it that way. एक ना स्टोरी बताऊं प्रसाद जी मेरे मास्टर का मास्टर चौकॉक से जहां प्राणिक हीलिंग जहां से मैंने हीलिंग सीखा है मतलब क्रिस्टल एंड ऑल उससे पहले रीकी सीखा था बट देन आई फाउंड इट वेरी इंटरेस्टिंग प्राणिक तो वहां पे एक स्टोरी था जब मास्टर बैठे थे उनके सामने एक लेडी आई वो लेडी कुछ पाव में कुछ प्रॉब्लम था उनको वो हील नहीं हुई अब मास्टर ने क्या किया उन्होंने बोला तुम मेरे को 1 रुपी दो तो उसने कहा ओनली 1 रुपी ठीक है मैं दे देती हूँ 1 रुपी जैसे ही दिया इन्होंने जो हीलिंग किया वो ठीक हो गई तब तक वो ठीक नहीं हो रही थी बहुत सारे हीलर्स से okay. For their sake, okay. No, why? Because this is प्रसाद जी ठीक है दिस इज प्रसाद जी इसमें क्या है उनका पूरा ऑरा क्लोज्ड है अब इसको ओपन करोगे तब जाके हीलिंग एनर्जी जाएगी ना ओके तो इसको ओपन करने के लिए वो 1 रुपए लेना बहुत जरूरी था क्योंकि वहां पे जगह ही नहीं थी उनके ओरा में हीलिंग एनर्जी जाने के लिए व्हाट आई फाइंड इज इफ आई कम टू यू इफ आई एम कॉन्टेक्टिंग यू इफ आई एम कॉलिंग यू आई एम ओपन आई एम ऑलरेडी ओपन टू यू No, you till... are open. But I'm No. I'm coming to you for healing. Hmm. I have a problem. And I have contacted you. It is a, hey. It's a different... Huh. Prasad ji, jaise hum log bolte hain ki karmically, jaise ek doctor 600 le raha aajkal, ek doctor 1000 le raha, ek doctor 2000 bhi le raha, just for consultation. Yeah. अब उसका कर्म है कि वो 600 रुपए में ठीक होगा 1000 में ठीक होगा या 2000 में ठीक होगा या कुछ भी ना देखे भी ठीक हो सकता है वो उसका exactly. वो उसका कर्म है बट प्रसाद जी अगर आपको लगता है कि जितने भी सोल्स आपने हीलिंग किया है या अगले जन्म में आपके पास आके कोई रिलेशन ना बनाए मुक्ति ताकि हमारा जो बैलेंस शीट है प्रॉफिट एंड लॉस सेविंग एंड एक्सपेंस जो भी बोल लो लेन देन रिसीविंग एंड गिविंग वो क्लीन होगा तो आपको मुक्ति मिलेगा ना प्रसाद आई क्लीन्स माइसेल्फ हाँ तो ठीक है फिर या आई लाइक आपसे बात किया मैंने नेक्स्ट मिनट आई एम आउट सो दैट्स फाइन इफ दैट इज वर्किंग फॉर यू इट्स एब्सोल्युटली फाइन यस इट वर्क्स ऑलवेज सो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है अंटिल एंड अनलेस यू डोंट फील एज इफ यू नो देखो प्रसाद जी लेट मी पुट इट प्रैक्टिकली अब हम लोगों के पास कमाई कैसे होती है कुछ लोग तो आते ही हैं प्रोफेशनली कि भाई मैं कुछ कमाऊं कुछ और कमाई नहीं है यू हैव अर्नड इट यू हैव सेव्ड इट यू डोंट वांट मनी नाउ यू आर डूइंग एज अ यू नो एनर्जी अपने आप को स्पिरिचुअल बनाने के लिए दैट इज अ सेपरेट इश्यू देन यस राइट बट देन यू शुड नॉट गेट अफेक्टेड इज आवर कंसर्न एग्जैक्टली दैट्स एग्जैक्टली दैट आई फुली एग्री विद व्हाट यू आर सेइंग तो उस पे ध्यान रख लेना जो आई थिंक यू नो सो यू डू इट योर ओन No problem in that. Yeah. And another input I'll share with you, ma'am, because we are sharing basis. Mein. People born in Ashwini Nakshatra, Aslesha Nakshatra. They are born doctors. Anuradha Nakshatra, Purva Bhadrapada Nakshatra. They will be the first people who will help others. Yeah. They will not take anything from They are born doctors. In return because unko, yeah, the born doctors. Heart कि दूसरे के सामने हाथ फैला नहीं सकते इनका प्रॉब्लम है ये कुंडली उठानी पड़ेगी कंसल्ट करिएगा मैं चार्ज करता हूँ पूरा प्रसाद जी श्रवण नक्षत्र प्रसाद जी मैं आपको अपनी कुंडली दिखा दूंगी आज मैडम की सेशन है मैडम की सेशन को हाईजैक नहीं करूंगा प्रसाद जी श्रवण नक्षत्र के बारे में कुछ नहीं बोला आपने ओह सबसे बढ़िया बोलूं मैम शुड आई टेल
बताइए एक मिनट, प्रमिला जी का एक वो ले लो, चलिए आप बताइए, फिर मैं प्रमिला जी को देती हूँ, बताइए। हाँ, श्रवण नक्षत्र में जो पैदा होते हैं इनको दोस्ती बना के रखने में मुश्किल होता है। दोस्ती बनाएंगे विद इन वीक 10 डेज 15 डेज कट कर देंगे। ये कौन है हमारे में? जैस्मिन। नंबर नो नेम्स नो नेम्स नो नेम्स। सो नंबर वन। नंबर टू, शॉपिंग करेंगे, वेदर दे वांट और डोंट वांट दे विल बाय, they'll never see the tagline, never see the price tag, and in their wardrobe, in their cupboard, there will be clothes in packets, shopping packets जो होते हैं ना, वो ऐसे के ऐसे अंदर जाते हैं, some heavenly day they'll come out. I'm also waiting. Okay, so this is a issue with the thing. One small thing is they should never say that agar aisi baat hai to main chhod ke chale jaungi ya chhod ke chale jaunga, both for male or female, both they should be cautious in their relationships, and whenever they feel a little down, kuch nahi karna hai, window shopping is the best. Okay. इनकी किचन में इतने सारे आइटम्स होंगे, आइटम्स विच आर यूज्ड वंस और ट्वाइस ओनली, गैजेट्स विल कम एंड गैजेट्स आर नॉट यूज्ड। मैं बहुत कम यूज करती हूँ, काफी सारे पड़े रहते हैं, ये शॉपिंग का तो बहुत परफेक्ट है मेरा। देयर यू आर, देयर आई डोंट सी द टैगलाइन, कंफर्म स्टैम्प लग गई जैस्मिन, स्टैम्प लग गया इमीडिएटली, बताओ नक्षत्र स्पेशलिस्ट। Yes. इनका नाम अभी चेंज कर देती हूँ। प्रसाद जी, एनी डाउट प्लीज, आपका हैंड बहुत देर से रेज है। प्रमिला जी, अच्छा ओके फाइन। हाँ ये कैसे मैम, मुझे एक तो प्रशांत जी के पास लाइन लग जाएगी सब अपने बारे में पूछने के लिए। मैम लोगों को एक बात बतानी थी, आपको भी बतानी थी। एक मेरे फ्रेंड है बैंगलोर से, उसके कुछ सिद्धियां हैं, तो उसने मुझे बताया कि जब से लोग आकर्षित करने लगे हैं, एंटिटी अटैक वाले केसेस उसके पास बहुत बढ़ गए हैं, बिकॉज लोग प्रोटेक्शन ठीक से नहीं कर रहे। नहीं, एक बार फिर से रिपीट कीजिए, मेरे को नहीं समझ में आया, जब से आकर्षित कर रहे हैं तब से क्या हुआ? एंटिटी वाले केसेस बहुत बढ़ गए हैं एज अ हीलर। हाँ, मतलब जैसे अभी हमारे कलीग्स लोग हैं, अगर ठीक से प्रोटेक्शन नहीं कर रहे तो उनपे भी एंटिटी अटैक होते हैं। ये कौन बोल रहा है? ये एक मेरी फ्रेंड है, बैंगलोर से है। उसने कहाँ से सीखा है? आकाशिक, आकाशिक नहीं करती है वो, उसके पास उसके पास सिद्धि है, तो वो बोल रही है मेरे पास केस बहुत आ गए, तो मैंने उनसे पूछा कि आप क्या कर रहे हो, तो आकाशी कहा। तो प्रॉब्लम ये है कि हम लोग प्रोटेक्शन ठीक से नहीं कर रहे, जिसकी वजह से ये हो रहा है, तो सभी को रिक्वेस्ट है कि प्रोटेक्शन अच्छे से करके जाए। प्रमिला जी, ऐसे रैंडमली कोई भी कुछ भी बोलता है तो नहीं ले सकते ना, क्योंकि हम तो बैठे हैं इधर 15-20 साल से यही कर रहे हैं। नहीं मैम, जैसे अभी मैं नहीं हूँ, मैंने जैसे 8:30 को उस दिन बताया, ऐसे तो कोई भी हीलिंग करोगे एंटिटीज आएगा, फिर तो हीलर ही ना बनो। That is true, हाँ, मैम, जो वो तो सारी हीलिंग्स के साथ है, you are right, मैम। Obviously, रीकी भी वही है, प्राणिक हीलिंग भी वही है, उपकारा वितालिम भी वही है, सब कुछ वही है, फिर तो कोई भी हीलिंग ना करो, फिर हीलिंग मोडालिटी में मत आओ, अगर एंटिटी से डर लग रहा है तो। नहीं नहीं, हीलिंग करना है पर प्रोटेक्शन अच्छा रखना, ये उसका रिक्वेस्ट था। हाँ, ये करो, ये मत बोलो आकाशिक करने से एंटिटीज बच सकते हैं, दिस इज रॉन्ग। नो नो No, no, ma'am. What she is saying is that friend of her asked Pramila ji, as many jitna maine samjha, asked Pramila ji, ab kya karte ho? So Pramila ji said that main akashic records mein jaakar healing karti hoon. Then that friend said, out of her compassion for this lady, that jo bhi karna hai, मेक श्योर दैट यू प्रोटेक्ट योर सेल्फ, अगर नहीं करते हो तो प्रॉब्लम आएगा।
यस मैदान में तभी उतरते हैं ना जब तलवार हो हाथ में, वरना मैदान में उतरोगे तुम मारे जाओगे, है ना। ढाल भी होना चाहिए मैम। हाँ वही, शील्ड भी होना चाहिए। हाँ शील्डिंग अच्छे से करो सबको, यही रिक्वेस्ट। हाँ तो शील्डिंग कर रहे हो ना सारे। हाँ हाँ, so what she's sharing is this information. Switch mode भी होते हैं मैम शील्डिंग के लिए, तो I think वो भी यूज कर सकते हैं। मैं तो बहुत टाइम से यूज कर रही हूँ, बिकॉज मैं तो बहुत टाइम से हूँ हीलिंग। वो क्या स्विच वर्ड्स फॉर हीलिंग, मतलब अपना प्रोटेक्शन के लिए फ्रॉम नेगेटिव, तो वो भी आप लिख के रख सकते हो। तो जब भी आप आकाशिक कर रहे हो तो मैं ऐसे ही यूज करती हूँ, तो वो मेरे को काफी हेल्पफुल लगता है। तो मैं सबको यही बोलूंगी कि यूज ना कीजिए। हाँ शील्डिंग आप कैसे भी कर सकते हो। ट्रू तो ठीक है, बट देन पता नहीं यार, अपना अपना सोच है। अब शायद मैं बहुत आगे बढ़ रही हूँ। एक बार बताइए इसमें हम, सॉरी मैम टू डिस्टर्ब यू, आकाशीय रिकॉर्ड में तो हम सबसे ज्यादा आर्कएंजल माइकल को यूज कर रहे हैं और उनकी स्वैग यूज कर रहे हैं, तो वो तो सबसे पहले शील्डिंग के और प्रोटेक्शन के ही है आर्कएंजल। अगर आप उन्हीं से प्रेयर कर शील्ड करके जाओ ऊपर, तो वो तो मतलब आप, मतलब जो भी आपने भी इस क्लास के सारा उन्हीं का बताया है। बिल्कुल। और इफ पीपल डोंट फॉलो द प्रोटोकॉल्स प्रॉपरली देन इट मे हैपन मैम। जैसे नहीं मेरा एक नहीं, वर्तिका जी आप सही बोल रहे हो। मेरा एक और कंसर्न है कि देखिए हीलर जो है ना ऐसे ही नहीं बनता है कोई, फर्स्ट ऑफ ऑल। एंड हम लोग एक प्रॉपर इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए हैं। आप लोगों को कोई प्रॉब्लम है तो ऑब्वियसली मेरे को कॉल आता है, एक तो वो। दूसरा हमारी जो पढ़ाई है प्रेयर, सब कुछ प्रॉपरली बोला गया है कि ये है। उसके बाद जो ओपनिंग है वो ये बोला गया है कि देर आर फोर अदर टेक्निक्स फॉर आकाशिक रिकॉर्ड। ट्रू। तो ये सारी चीजें एज अ हीलर आप किसी भी मोडालिटी को ले लो। इवन यहाँ पे कितने भी लोग हैं जो रेकी भी सीख रहे होंगे, पता नहीं क्या क्या सीख रहे होंगे, सब में शील्डिंग जरूर बोलते हैं। क्योंकि जब भी हम ऐसे बैठते हैं यू नेवर नो, ऑब्वियसली जैसे नेगेटिव एनर्जी है यार, तो नेगेटिव एनर्जी को ही निकालना हमारा काम है, तो उसके लिए हमारे ऊपर ना आए वो करते हैं। सेकेंड थिंग, इतना नेगेटिविटी में जब हम कॉन्सेंट्रेट करते हैं तो आएगा वही नेगेटिव एनर्जी ही आएगा, चाहे आप जितनी भी शील्डिंग कर लो। क्योंकि एज अ हीलर वी बिकम सो पावरफुल, जो हम सोच रहे हैं वही होता है। इसीलिए बोलती हूँ कि एंटिटीज पे ज्यादा ध्यान ना दो, क्योंकि एंटिटीज को आप इनविटेशन दे रहे हो कि मैं इधर हूं एज अ हीलर बैठी हूँ, आप लोग इधर लाइन लगा सकते हो। जैसे आपने सोचा वो सोच से काम करते हैं, वो आ गए आपके पास। तो प्लीज माई रिक्वेस्ट, चाहे आप हीलिंग कुछ भी करो, एंटिटीज और इन सब में ज्यादा मत ध्यान दो। जब आपका अवेयरनेस अपने आप इंट्यूटिवली आएगा, दैट मीन्स यस देयर इज अ प्रॉब्लम, वो अपने आप आएगा। आप बैठने से पहले ही मत सोचो कि इसके पास एंटिटी होगा, इधर होगा, उधर होगा, फिर वो ही आएगा। यू आर क्रिएटिंग इट। मैम एक चीज बताइए, पीएसडी में तो सब कुछ प्रोटेक्ट हो जाता है ना, अगर हम उसकी शील्ड लगा के अगर हीलिंग कर रहे हैं या कहीं जा रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। पीएसडी साइकिक सेल्फ डिफेंस, साइकिक सेल्फ डिफेंस, हाँ करेक्ट। हाँ उसमें तो फिर सारा ही प्रोटेक्ट हो गया ना मैम। वो तो पूरा ही प्रोटेक्शन का ही तो पूरा कोर्स है। हाँ मतलब उसमें तो वो शील्डिंग ही प्रोटेक्शन है, उसको लगा के ही तो हम कर सकते हैं। जो ब्लडी हीलिंग के हैं तो वाली शील्डिंग करके चले जाए, है ना मैम। शील्डिंग तो बहुत तरीके के सिखाई हुई है मैम। हर टीचर जो भी कोई भी हीलिंग मॉडलिटी सिखाता है, सबसे पहले वो अपनी शील्डिंग सिखाता है। अब अब वो होता क्या है मैम, जब तक आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं ना, तो वो शील्डिंग में भी उतनी पावर नहीं आती है, मतलब जो मुझे ऐसा लगता है। वही अब आपने आकाशिक रिकॉर्ड सुबह ओपन किया, सुबह शील्डिंग की, अब आपका पूरे दिन है, तो मे बी वो शील्डिंग टू आवर्स चली, थ्री आवर्स चली। नहीं वर्तिका जी, आपको ना थोड़ा मैं इधर सही करूंगी, क्योंकि हमने ऐसे ऐसे लोग इधर पढ़ाए हैं ना जिन्होंने एक बार भी मेडिटेशन नहीं किया, जिन्होंने स्पिरिचुअल जर्नी किया ही नहीं, बट दैट डजंट मीन इस जन्म में उन्होंने नहीं किया। आप समझ रहे हो मेरी बात,
उनके अंदर पहले से ही वो पावर होगा तभी तो वो लोग कर पा रहे हैं ना. तो ऐसा नहीं है कि जैसे हम लोगों को वहां पे क्या सिखाया गया, ब्रीदिंग इतना करना है ताकि आपका शील्डिंग इतना पावरफुल हो. बट एक बात बताइए, मैं ये कह रही हूँ, मैं अपने स्टूडेंट्स को ये बोलना चाह रही हूँ, आपके थॉट में इतना पावर होना चाहिए, आई एम शील्डेड, यू आर शील्डेड. यस यस, इंटेंशन. या इंटेंशन इतना पावरफुल बनाइए, जैसे आपने एंटिटी को बुलाया सामने आके खड़ा, मैं एंटिटी एंटिटी बोल रही हूँ वही आएगा, मेरे को क्लीनिंग करनी पड़ेगी, बट देन वो आके खड़ा हो जाता है. वैसे यू आर शील्डेड मीन्स शील्डेड. ऐसा थोड़ी है कि हम कभी कभार मॉल जाते हैं जैसे मेट्रो में बैठे हुए, अच्छा नहीं लगता जो पास में बैठा है, बोलो आई एम शील्डेड. काफी है, हमारे गुरु हमारे हायर के ऊपर इतना भरोसा रखो कि हमने जो बोला वो हो गया. बट यस देर आर फ्यू डिफिकल्ट केसेस जो चैलेंज देते हैं, वो अलग स्टोरी होता है, उसके लिए फिर आपको प्रोफेशनल हीलर्स से काम कराना पड़ता है, चाहे आप कुछ भी कर लो. क्योंकि होता है ना कभी कभार लाइक एमबीए करके ही आपको मैनेजमेंट या हायर उसमें जाना पड़ेगा, आपको वो सर्टिफिकेट काम आता है, आप सिर्फ 12th ग्रेड तक पढ़ के आप एमबीए वाला काम नहीं कर सकते. तो इसीलिए कभी कभार ऐसे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं तो हमारे पास वो 100% वाला जो है आंसर नहीं होता है कि क्या करना है कैसे करना है, जो सिखाया है उसी से हम निकाल के आपको देते हैं. ये हर टीचर का काम है, ये आप लोग टीचर बनोगे आप लोग भी ऐसे ही कराओगे, क्योंकि आप लोगों ने जैसे हीलिंग की वैसे आपके स्टूडेंट्स जो नए हैं उनका एक्सपीरियंस अलग होगा. और कोई सवाल? नलिनी जी लास्ट सवाल, देन आई विल क्लोज. यस मैम, मुझे ये पूछना था मैम, मुझे ये पूछना था कि अभी बुलबुल जी ने जो सवाल बताया ना कि वो जो भी हीलिंग कर रही है तो एंसिस्टर्स आके खड़े रहते हैं, शी कैन सी. ओके, आई हैव वन केस जिसमें, इसमें आपने जो बताया कि उनके घर में शादी नहीं हो रही है, बच्चे नहीं हो रहे, ऐसा है. मैम आई कांट सी यू, आपका चेहरा नहीं दिख रहा है, लक्ष्मी जी का दिख रहा है. मैंने अपना पिन नहीं किया, एक मिनट. या आई कैन सी, या आई कैन सी यू नाउ. हाँ, तो मेरा सवाल ये था, मेरी एक फ्रेंड है ना, उसके 3 बच्चे हैं, 2 की शादी हो गई, दोनों को बच्चे नहीं हो रहे, और थर्ड वाला उसकी शादी नहीं हो रही है थर्ड बच्चे की. तो फैमिली ट्री नहीं बन रहा है ना फिर. हाँ, तो मैं ये पूछना चाहती, क्या उनको एंसिस्टर्स की प्रॉब्लम होगी, उनको ऐसे हीलिंग करूं क्या? डू गेट माय पॉइंट? जब हीलिंग करते हो उस सोल से पूछो कि भाई What kind of problem you have, या आपको intuitively आ रहा है, जैसे आज आ गया आपको, जैसे हमने बात किया आपको intuitively आ गया ancestral का करना है, तो you please proceed, क्योंकि ancestral का healing करने से किसी का कोई नुकसान नहीं है. You can proceed, क्योंकि family वंश वहीं से आता है हमारा. तो या आपने अभी बताया, हाँ आपने अभी बताया ना, उससे I got this connection, so I'm asking you. Yes, correct. आप कर सकते हो. ओके, थैंक यू मैम. वेलकम मैम. जिस घर में ग्रोशन है, माय प्रॉब्लम. घर में कोई अलग चीज. नलिनी जी बताइए. नलिनी जी नहीं, लक्ष्मी जी. हां, सो व्हेन वी आर डूइंग अ हीलिंग फॉर द पर्सन, इट कैन बी बाय, वी नो 3-4 मॉडलिटीज, सो वी कैन डू ऑल द मॉडलिटीज एट व्हाटएवर वी गेट टू, एंड वी चार्ज फॉर वन. वी डू ऑल द मॉडलिटीज when we are taking a charge from them, we are taking that they have to get healed is our main concern. Yes, so we can do one to any of the modality, any of the modality to, just you know, when we sit with a soul's healing, we intuitively we get what kind of healing we are using today, that you will get as a healer. If you don't get, just think ki aaj kya healing karne ka mood hai. If you don't get the intuition, अपने आप से पूछो, मुझे आकाशिक करना है, मुझे आज रेकी करना है, या मुझे थेटा करना है, या क्या करना है, तो उस हिसाब से you proceed. और जिस दिन एक दिन एक कर लिया तो दूसरे दिन you can do some other modality, या उसी को you can continue. It's up to your own. You have ample choices. आपके हिसाब से आप कर सकते हो. When we become more
efficient with the each and every modality, then we can plan. Oh, I do this with only this one. When you are learning a modality, you are already efficient because you are seeing the result, right? Don't doubt yourself. Okay. Right. And taking the case also, no, I don't, whoever is suffering in my vicinity, I ask them, do you want to get healed? Without food, जो घर के लोग है तो मैं बिना पूछे ही मैं पूछ जाती हूँ, oh, they are suffering from these many years, I have to take, can I go like that? No comments. I don't take anything from them and I want to see them. No comments. मैंने बहुत बोल लिया इसके बारे में. I will not repeat it again and again. Up to you. Yes, Rakhi. Any more questions? मैम आपने ये पूछा था ना अभी, जब ऐसे आप दो तीन बार बता चुके ancestrals का, मैं तो जिस घर में जैसे abortion cases गुजरात नहीं है तो उस घर में जब भी कोई प्रॉब्लम्स आती हैं तो हमारे को उसके लिए हीलिंग एंसेस्टर्स की करनी चाहिए. जिस घर में क्या होती है एबॉर्शंस होते हैं मैम, जिसे एबॉर्शंस लोग करा लेते हैं. मैम तो उनके घर में काम की कोई प्रॉब्लम हो या किसी भी चीज की कोई प्रॉब्लम हो तो एंसेस्टर हीलिंग करें पहले. देखो जब वंश नहीं बढ़ रहा है ना तब तो जरूर. नो मैम, एक तो इशू है बट उसके बाद वो एबॉर्शन करा लेते हैं, मतलब प्लानिंग नहीं होती तो एबॉर्शन करा लेते हैं. तो कोई वो उस वंश को वो एंसेस्टर्स को निकाल के फेंक रहे हैं ना फिर. यस मैम, तो फिर उस केस में अननोइंगली आई डोंट नो यार. हां तो काफी केसेस में ऐसे आते हैं तो फिर उसमें एंसेस्ट्रल हीलिंग करनी चाहिए. एंसेस्ट्रल हीलिंग कर सकते हो जब आप बैठो तो एक बार एंसेस्ट्रल हीलिंग जरूर कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. Yes, thank you. Bye bye. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you, gratitude. A lot of insights. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you.